अयोध्या राम मंदिर धन संग्रहण निधि के जन जागरण अभियान के तहत निकाली हिंदू संगठन की रैली पर गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव में वर्ग विशेष के युवकों ने पथराव कर दिया। घटना में 10 हिंदूवादी कार्यकर्ता घायल हुए, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने धरना देने के साथ ही जमकर हंगामा किया। हालात को देखते हुए गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं पुलिस देर रात तक इलाके में सर्चिंग करती रही। मंगलवार सुबह धर्माठ से हिंदू संगठन ने वाहन रैली की शुरुआत की। रैली में युवा भगवा झंडे के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली जैसे ही वर्ग विशेष बहुल गांव चांदनखेड़ी पहुंची तो वहां के मुख्य चौराहे से गुजरते ही रैली पर पीछे से वर्ग विशेष के 25 युवकों के समूह ने पथराव कर दिया। पथराव से रैली में शामिल करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही गौतमपुरा शासकीय अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 39 नामजद लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। तात्कालिक उत्तेजना और विवाद के कारण पथराव की जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई और उसके कारण कानून व्यवस्था की जो गंभीर स्थिति पैदा हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक 4 प्रकरण कायम किए हैं। पथराव करने वाले 39 अपराधियों के विरुद्ध नामजद कायमी की गई है, जिसमें पुलिस ने 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया। वहीं पथराव की घटना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए व उन्होंने गांव के समीप धरना देकर पथराव करने वालों के मकान तोड़ने, रासुका लगाने की कार्रवाई की मांग की। देर शाम 6 बजे तक धरना चलता रहा। इस दौरान शाम 5 बजे करीब गांव के खेत से पथराव होने पर हिंदू संगठन व वर्ग विशेष के युवक आमने सामने हुए, जिसके चलते पुलिस ने दोनों तरफ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घटना के बाद मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह, DIG हरिनारायण जारी मिश्र, SP महेश चंद्र जैन, SP अमित तोलानी, SDM प्रतुल सिन्हा सहित 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात रहे। वहीं वज्र वाहन भी तैनात किया गया। अपने काम में लापरवाही बरतने पर गौतमपुरा TI अरसी भास्करे को निलंबित किया, साथ ही सावेर SDOP पंकज दीक्षित को भी हटाया गया है। और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर गौतमपुरा और सावेर में धारा 144 लगाकर वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है, ताकि आगे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। ये घटनाक्रम में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री आरसी भास्करे को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी गौतमपुरा के द्वारा ग्राम चांदनखेड़ी से ये रैली निकलनी थी, इस बारे में नहीं बताया, और यदि वो बताते तो और बेहतर बल और अधिकारियों की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाती। चांदनखेड़ी गांव की जो स्थिति है उसको देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा समुचित गंभीरता नहीं बरती गई। साथ ही SDOP सामेर जो वहाँ मौके पर थे, तत्समय भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहे, उनको भी वहाँ से हटाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।